सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हम बचपन से सुनते आए हैं कि फल और सब्जियां खानी चाहिए, उनके फायदों के बारे में भी हमने खूब सुना है। अपने आहार में फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ाने से पैरों में रक्त प्रवाह को प्रभावित करने वाली धमनियों के रोगों के विकास का खतरा कम हो जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी PAD पैरों की धमनियों को संकुचित करती है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को सीमित कर देती है और इससे चलने या खड़े रहने के दौरान तेज दर्द होता है। वहीं निष्कर्षों से पता चला है कि जो लोग दिन में 3 या इससे अधिक बार फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं, उन्हें फलों व सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों की तुलना में 18% कम PDA होता है। न्यूयॉर्क स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के सहायक अध्यापक जेफरी बर्गर ने कहा कि हमारे अध्ययन से ये जानकारी मिली है कि आहार में अधिक फलों और सब्जियों को शामिल करने जैसे सरल तरीकों से PAD के प्रचार से बचने में बड़ी मदद मिलती है। इस शोध के लिए औसतन 64 वर्ष आयु वर्ग की 37 लाख लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से 6.3% लोग PAD से पीड़ित थे। इन लोगों में 29.2% लोग नियमित तौर पर 3 से अधिक बार फलों और सब्जियों का सेवन करते थे। ये शोध आर्टियोस्क्लेरोसिस थ्रोम्बोसिस एंड वस्कुलर बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित भी है। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।